जो डांस करते हुए नजर आ रहे हो, काफी जो है जबरदस्त डांस कर रहे हो उसमें माइकल जैक्सन जैसे, कब का था वो वीडियो? यही गणेश विसर्जन। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, आप लोग देख रहे हैं हमारा मोर मितान का फेसबुक पेज। दोस्तों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जैसे माइकल जैक्सन का जो है नाम दिया जा रहा है, टाइटल दिया जा रहा है उसे वीडियो को देखने के बाद। ना केवल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर यदि हम बात करें, पूरे देश में वो वीडियो जो है तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और वो वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं, भैया का नाम है फूलचंद मंझवार, जो कि ग्राम पंचायत गोदना ब्लॉक है नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। और वो जो है गोदना गांव में रहते हैं, हम लोग हैं उनके बस्ती में, उनके गांव में, और आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे। दोस्तों बिल्कुल बने रहिए हमारे इस वीडियो में। उनके जो है टैलेंट को जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, वीडियो देखने के बाद जमकर तारीफ कर रहे हैं। और वो काफ़ी जो है गरीबी परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका जो है जीवन जो है अभी चल पा रहा है। हम आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे और जाने देंगे भी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे और बातें करेंगे कि आखिर ये वीडियो कब का था, कैसे टाइप का वायरल हुआ है। और ये जो है भैया जो है फूलचंद मंझवार है, ये इन्हीं का वो जो है वीडियो है जो उसमें डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं और बात करते हैं उनसे कुछ। वो जो डांस करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी जो है ज़बरदस्त डांस कर रहे हो उसमें माइकल जैक्सन जैसे, कब का था वो वीडियो? यही गणेश विसर्जन। अच्छा, गणेश विसर्जन के दौरान। अच्छा, तो ये ऐसे जो है माइकल जैक्सन के रूप में आप डांस कब से करते आ रहे हैं? बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। अच्छा, बीच में बंद क्यों किए थे? बस परिस्थिति के कारण। अच्छा, परिस्थिति बोले तो अच्छे से बताइए। अच्छा, गरीबी परिस्थिति। अच्छा, तो आप लोगों के घर में यदि बात करें तो बड़ी जो है पैसों की जो है कमी है, कैसे करके अपना जीवन चलाते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, टीवी वगैरह बना लेता हूँ, तो इसी में गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो आपके घर को हम लोगों ने देखा तो काफ़ी जो है आपका घर भी बना नहीं है, अधूरा है, पन्नी अच्छा तो भी नहीं है, ईंट का जो है जुड़ाई हुआ है, लेकिन आपके घर में जो है ढलाई नहीं हुआ है, खपरा भी नहीं है, झिल्ली लगा हुआ है। तो यदि हम बात करें आपके परिस्थिति को जो है, वहीं से जो है देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप की जो है गरीबी काफ़ी है। तो इस मामले में आप लोगों ने कहीं कुछ और आगे कुछ बात नहीं पहुँचाई क्या कि हमको भी पीएम आवास योजना का जो है अंतर्गत जो है घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ऐसा कुछ गए नहीं क्या आप? वो हमारे कमरा जो मकान है वो इंदिरा आवास ही है। अच्छा, मगर दो किस्त मिला है, एक किस्त नहीं मिला है। अच्छा है, तो सरपंच जी बदल गए हैं। अच्छा, तो हम लोग इसे कहें इसलिए वैसे ही दिन काट रहे हैं। अच्छा, दो किस्त मिला है, एक किस्त नहीं मिला है, तो अभी जो है दो किस्त में जो है ढलाई नहीं हो पाया, छवाई भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप इतना, आपके अंदर इतना कुछ टैलेंट है, लोगों के पास तो सब कुछ होते हुए भी कुछ कुछ कमी रह जाती है, लेकिन आपके पास जो है भले आप गरीब हो लेकिन आपके अंदर टैलेंट जो है कूट कूट कर भरा है। कहाँ और जाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ने की आपकी भी तमन्ना होगी? वैसे तो मैं अब डांस में छोड़ चुका था, मगर अब देख रहा हूँ तो फिर से अपना बचपन याद आ रहा है। जी जी, कि फिर से दोबारा डांस शुरू करूँ और उसी से दो चार पैसा कमा कर अपने घर बार, थोड़ा बहुत बच्चे लोग हैं उनको भी पढ़ा लूँ। जी जी, कितने हैं आपके बाल बच्चे हैं? चार। चार, अच्छा जी जी, तो देख सकते हैं दोस्तों ये भैया है, काफ़ी जो है बता रहे हैं अपने बारे में कि कैसे जो है ये डांस करना सीखे और
इनकी जो है यदि बात करें परिस्थिति काफ़ी जो है गरीबी परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनका जो घर है इंदिरा आवास में जो है आया हुआ था, दो किस्त मिला था, दो किस्त जो है मिला था और एक किस्त बचा हुआ है, इस वजह से जो है अभी तक ढलाई नहीं हुआ है, छवाई भी नहीं हुआ है। ये देखिए ये इसी बस्ती में रहते हैं। यदि हम बात करें फूलचंद मंझवार, पूरे देवार जाति के लोग यहाँ रहते हैं यदि हम बात करें इनके बस्ती में। और मैं इनका जो है घर आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, कितने टैलेंटेड व्यक्ति है ये फूलचंद मंझवार जी। और घर को देखेंगे तो आप भी सहम उठेंगे कि वाकई में इतने कुछ इतना टैलेंट होने के बावजूद इनका घर देख सकते हैं। ये इनका घर है, जुड़ाई जो है ईट का हुआ है, छबाई भी नहीं हुआ है। ऊपर में जो देख रहे हैं साड़ी और ये पन्नी झिल्ली लगा हुआ है। अंदर भी दिखाते हैं आप लोगों को, ये है इनके घर अंदर का जो है नज़ारा, ये देखिए। तो और ऊपर देखिए, बरसात के दिनों में तो काफ़ी जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये एक है और ये एक, दो रूम है इनके घर में, देख सकते हैं आप। इसी घर में वो अपना रहकर जो है जीवन यापन करते हैं। टोटल चार बच्चे हैं इनके और ये इन इसी तरह जो है काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का। और ये घर के बाहर का नज़ारा है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों हम तो कुछ चाहेंगे कि ऐसे जो टैलेंट है हमारे प्रदेश में देश में वो जो है बाहर आना चाहिए और इन जैसे प्रतिभाओं के धनी को जो है उचित प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म और अच्छे मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि जो वो जो जिनके हकदार हैं उनको मिल सके और इनकी जो है गरीबी में सुधार हो सके, अच्छा जीवन जी सके, परिवार को खुशहाल रख सके, बाल बच्चे को अच्छा से जो है पढ़ा सके और अपने जीवन में नया देख सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और फूलचंद मंझवार भैया को सपोर्ट करिए, अपना प्यार देते रहिए। देसी माइकल जैक्सन, फूलचंद मंझवार।